ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन फेल, ऑर्बिट में एंट्री ही नहीं कर पाया, रॉकेट लॉन्च देखने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों की भीड़। पेरू में हिंसा के दौरान 17 की मौत, पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई की मांग कर रहे समर्थक, सेना से भी इमरजेंसी लगाए जाने के संकेत। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के हैनान राज्य की 89% आबादी संक्रमित, जापान में 15 जनवरी के बाद मामले बढ़ने की आशंका। चीन में प्रदर्शनों के बाद कोविड प्रतिबंधों में ठीक, लोगों को कोरोना फैलने का डर, मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयां खरीदने के लिए लग रही लंबी लाइन। बांग्लादेश के फ्लाइट में यात्रियों में जले लाडू से, बिना शर्ट पहने यात्री ने की मारपीट, रोने भी लगा, क्रू ने मुश्किल सुझाया। अफगानिस्तान में अब प्राइमरी तक पढ़ पाएंगी लड़कियां, तालिबान ने आदेश किया जारी, इस्लामिक नियमों के तहत कपड़े पहनने होंगे। इसराइल की कट्टरपंथी सरकार का पहला कदम, मुल्क में फिलिस्तीनी के झंडे बैन, इसराइली फिलिस्तीन जंग फिर भड़कने की आशंका। जोशीमठ में गिराए जाएंगे तो लग्जरी होटल, 678 इमारतें साइंटिफिक स्टडी पूरी, कुछ इलाकों को सील भी किया जाता है। ऑस्कर के दौर में भारत की 9 फिल्में हैं, 301 फिल्मों की रिमाइंडर लिस्ट में कांतारा, कश्मीर फाइल्स और रॉकेट्री, कपल आज छल्लू जैसे कई फिल्में शॉर्टलिस्ट। पाकिस्तान एक बार फिर से भारी मुसीबत में, महंगाई 25% की रफ्तार से बढ़ रही, विदेशी मुद्रा भंडार 41,000 करोड़ बचा, इससे 3 हफ्ते का ही इम्पोर्ट बिल चुकाया जा सकता है। बलरामपुर में ताता पानी महोत्सव स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, 14 जनवरी से होगा मेले का आयोजन। सऊदी अरब में अब आर्ट पेंटिंग्स का प्रमोशन, कल्चरल मिनिस्ट्री का ऑर्डर फॉलो करेंगे होटल, सरकार के कदम से कलाकार खुश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NRI को किया सम्मानित, शिवराज ने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर मांगी माफी। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स पर 632 अंक गिरकर 60 पर, 115 पर बंद टाटा मोटर्स का शेयर 5% से ज्यादा गिर गया। करणी सेना और सरकार में नहीं बन पा रही सहमति, कमलनाथ बोले ये आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का लेना देना नहीं। ग्रेटर नोएडा में 13 जनवरी से शुरू होगा ऑटो एक्सपो, नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे, 75 नई कारों की लॉन्चिंग होगी। फ्रांसीसी कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास, कतर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से मिली थी हार। वहीं संक्रांति की कड़ाके ठंड का एक दौर और, एमपी में 48 शहरों में न्यूनतम 48 डिग्री से नीचे पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। चित्रकूट के कमिश्नर एक दिवसीय आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए हमीरपुर पहुंचे, कलेक्टर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश, गरीबों और कंबल वितरण और अलाव जलाने के कई आदेश। मुंबई रोड शो की सफलता के बाद अब लखनऊ में होगा भव्य रोड शो, 50,000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। मंत्री नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में आयोजित होगा रोड शो। गाजियाबाद में पति पत्नी के विवाद में ऑडिवी कार से कुचलने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने किया मामला दर्ज। प्रधानमंत्री पुष्प कमल को संसद में मिला प्रचंड बहुमत, 674 में 272 सांसदों का समर्थन हासिल, विपक्षी दलों के समर्थन करने से विश्वास मत हासिल किया। एयरपोर्ट पर 50 यात्रियों को छोड़कर गो फर्स्ट का विमान उड़ा, एयरलाइन ने माफी कहा, सबको देंगे फ्री टिकट। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगा, शीतकालीन सत्र केजरीवाल सरकार ने 3 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने किया ऐलान, प्रदेश में कुल 8,752 केंद्रों पर होगी यूपी की बोर्ड परीक्षा।